मेरे नए एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाउ टू ग्रो लोटस, कमल गट्टे से लोटस कैसे उगाएं। ये लोटस का एक सीड है जिसको हिंदी में हम कमल गट्टा कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने रफ कर लिया है नेल कटर से, इसको थोड़ा रफ करते हैं, उसमें क्या कहते हैं स्लिप करा के, जिससे इसको घिसते हैं, मतलब जिसके कारण उसकी जो ऊपर की जो परत है, किसी एक तरफ की दो साइड रहते हो उसमें, जो सीड रहता है लोटस का उसमें दो साइड रहते हो, उसको इस तरीके से घिसते हैं जिसके कारण वो जल्दी ग्रो कर सके हमारा सीड आसानी से और जल्दी ग्रो कर सके। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। देख सकते हैं आप इसको सावधानी पूर्वक जिस तरीके से मैं इसको रफ किया है मैंने इसको, आप देख सकते कितना यूनिक टाइप का लग रहा है सीड। इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसकी एक परत आधी से घुर चुकी है, थोड़ी सी और रह गई, तो वो कैसे पता चलेगा वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको, कि आपको थोड़ा सा नील कटर से आप काट भी सकते हैं, सनोते की मदद से हल्का सा ऊपर का हिस्सा काट सकते हैं, मगर सनोते में सावधानी रखनी होगी आपको। और जो नील कटर रहेगा उसमें क्या है, रफ करने का साइड दिया जाता है, तो आप उसमें रफ कर सकते हैं आसानी से, जिससे हमारा सीड जल्दी ग्रो कर सके। मैंने एक ही सीड लिया है, आप चाहें तो दो तीन भी जर्मिनेट कर सकते हैं, जर्मिनेट यानी उसको उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो लोटस का जो सीड रहता है वो आसानी से नहीं उगता, और उसको उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत एक प्रकार से है कि अगर आपने इसको घिस लिया और क्या कहते हैं, आपने सीड को अच्छे से मतलब सेप दे दिया कुछ इस तरीके का, और प्लांट दिखने लगा आपका, और आपने इसको पानी में मतलब कि कांच का जो बर्तन है उसमें पानी लेके उसमें आपने इसको डाल दिया, फिर आपने क्या किया, एक हफ्ते तक उसका पानी नहीं बदला, जिसके कारण क्या हुआ, पानी में गंदगी जमा होने के कारण आपका सीड सड़ गया या गल गया या ख़राब हो गया, मतलब कि आपका जो सीड है वो ख़राब हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि दो दिन में एक बार आपको कांच के बर्तन या कांच के गिलास का पानी बदलना है, जिससे ये और जल्दी जर्मिनेट हो सके, अंकुरित हो सके, सॉरी जर्मिनेट का मतलब अंकुरित होता है, तो अंकुरित हो सके। तो देख सकते हैं आप, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ये जो ग्रीन कलर का है जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यही मेन है और यही हमारा लोटस है। इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, आप सोचें कि आप और घिस लें या और फॉल कर लें, इससे होगा कुछ नहीं, इसका आपका सीड ख़राब हो जाएगा। जो पीछे का हिस्सा है यहाँ से उसकी रूट निकलेंगी जड़, और जब ये सब हो जाएगा तो मैंने कांच का एक क्या कहते हैं बर्तन यूज़ किया है, ये एक प्रकार से केटली टाइप का है, जग जिसको हम आसान शब्दों में कहते हैं, जग है ये। तो आप चाहें कांच का बर्तन या कांच की कटोरी या कांच का गिलास यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, और उसको सावधानी पूर्वक आपको सीड को रख देना है उसके अंदर नीचे के हिस्से में, और उसमें पानी डालना है। और इसका जो मैंने पानी डाला है वो थोड़ी सी जगह छोड़ दी ऊपर, उसका कारण यही रहता है कि ये पूरा फूल ना बढ़ा रहे, हल्का सा, हाँ हल्की सी जगह होनी चाहिए। और इसके ऊपर अपन को ढक्कन लगाना है, ढक्कन एयर टाइट नहीं है, और ये ढक्कन एक सामान है।